मेरी ना वालिद पढ़ी लिखी थी, मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी, वालिद पढ़ा लिखा था, मगर जब स्कूल जाते थे, जब स्कूल से पहुंचते तो हमसे पूछते थे कि बेटा पढ़ने के लिए गए थे नहीं गए थे। फिर वो किसी और दोस्त के साथ जाते थे तो हमसे पूछते थे आप किसके साथ गए, क्यों गए, अगर किसी गलत बंदे के साथ क्यों चले गए, क्योंकि ये मेन किरदार होता है उसका ना वालिद है। हमें ये पता नहीं होता है, हम बच्चे को भेजते हैं स्कूल, स्कूल के बाद हमें पता नहीं होता है वो बच्चा कहाँ गया, स्कूल गया नहीं गया, किसके साथ किसकी सोबत में वो काम कर रहा है, ये कोई पता नहीं है। अब जो मंशात के हवाले से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मंशात इतना ही हो गई है। मैं अगर बात करूँ कराची में, कराची ठट्टा हो जिसमें जिस तरह गुटका, और जो मुझे डॉक्टर है जहाँ हॉस्पिटल का वह मिला कि अब आपके ठट्टा और मरीज के इलाके से 50% माउथ कैंसर आ रहा है, माउथ कैंसर 50% आ रहा है। ठीक है, दूसरी जो सारी चीजें हैं उसमें जो दूसरी नशावर चीजें हैं वो हैं अपनी जगह पर, मगर हमें खासकर मैं जो अदारे काम कर रहे हैं, जो एनजीओ काम कर रही है, बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, उसमें हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए अलाइकी के अंदर जाकर। जिस तरीके से अगर इब्राहिम कैदरी है, इस तरह गड़ाप है, इस तरीके से बहुत सारे एरिया छट्टा है, धारो है, सांतो है, ऐसे बहुत सारे एरियाज है, वहाँ जाकर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए कि भाई इस चीज़ से हमें रुकना है। हमें वहाँ पर कमेटियाँ बनानी चाहिए, जो हमारी एनजीओज हैं कि वो कमेटियाँ बनाकर वो पुलिस के साथ काम करें। अब हमने यहाँ पर जब सोशल वेलफेयर के अंदर में आया तो मैंने महसूस किया, मैंने दो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, एक एनएफ के साथ, एएनएफ के साथ मैंने एमओयू सिग्नेचर किया, उसके साथ मैंने मरीज के अंदर और या मगोपीर के अंदर, अब हम न्यू कराची के अंदर भी करने जा रहे हैं।